सब भाइयों से निवेदन है, जय देवनारायण भगवान की। लाइफ को आगे से आगे शेयर करें। देवीलाल जी भाई साहब पहाड़ी वाले लाइफ में जुड़े। सरदार गणेश कंज राम राम भाई। गोड़ा राम नीमली राम राम भाई। देवीलाल जी भाई साहब पहाड़ी वाले लाइफ में जुड़े। सबसे पहले जय देवनारायण भगवान की, जय कर्नल बाबा की, और जाने वाली आत्मा भाई देवाजी भाई साहब कोटा से, उनको भी मेरा सुख लोग में प्रणाम। और मेरे जो लाइफ में मेरी ज़िंदगी में मुझे दुख में गरीबी में हर वक्त साथ दिए, उनको राम राम। सुरेश जी डोई निवाई उनका राम राम। देवनारायण जी गुरु जी राम राम।
और रूप सिंह जी भाई साहब केणी, उनको भी राम राम। मुरली जी भाई साहब राठौर, उनको भी राम राम। राम सिंह जी भाई साहब कटाना, उनको भी राम राम। और मैनेजर साहब उनियारा धूनी अलीगढ़ बैंक वाले, उनको भी राम राम। और मुकेश जी गांस को राम राम। चेतराम जी पकड़वाल, उनको भी राम राम। एसी बरियारा राम राम। गोपाल बशी राम राम। सभी को तहे दिल से राम राम। और 36 कौम के सिंगरों को राम राम। आपका भाई छोटा मंदराज दीवाना गांव रजवाना। आपको तो पता भाइयों, मैं बिना फालतू लाइफ नहीं आता, ना ही मैं कोई फेसबुक चलाता। मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं फेसबुक का, मैं सिर्फ गाता हूँ, यूट्यूब पे मेरे सॉन्ग चढ़ते हैं। मैं लाइव तभी आता हूँ जब मुझे कोई परेशानी होती है। बात साहब 23 तारीख, 23 तारीख को, 23 तारीख से दिन पहले की बात होगी, जो 23 तारीख को बंदा छूटे गया था, उसे एक दिन पहले बगावदा राम राम भाई हमारी सुनिए। जो एक पुलिस वाला है अपनी समाज का है, उसने जो मेरा जो दोस्त था वह मदद मांगने गया था थाने में, तो उसको सारी रात बहरहमी से पीटा, हवालात में रखा। वो छूट कर सुबह जमानत के मेरे पास आया 24 तारीख। देखो मैंने पहले एक बात आपको बता देता हूँ, अगर लाइफ में उस बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कभी भी मेरी समाज को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की है। यह बात मेरी तरफ से भगवान उसको भी खुश रखे, मेरी तो आत्मा यही कहती है, सबसे ज़्यादा खुश उसको रखे जो मेरे सबसे जितने भी दुश्मन हो उनको। मैं कभी ये चीज़ मेरे दिमाग में लाया ही नहीं। उससे पहले भी एक वो उसी बंदा एक मेरे और दोस्त था सरदार गणेशगंज, उसको भी परेशान कर चुका था, बहुत बैंकर किया था वह बेचारा। देखो मैं बजरी वालों के लिए हमेशा बढ़िया ही करता हूँ, सबसे मेरी कोई वो नहीं है, वो बजरी का धंधा करता है, सभी अच्छे हैं बेचारे, मेरे फैन हैं, हमारे गाने सुनते हैं, हम उनको उनसे हमको सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो उनके मैं हमेशा दिल में रखता हूँ उनको। तो उस छोरे ने मेरे को पूरी बात बताई, तो उस भैसा पुलिस वाले के पास मैंने फ़ोन किया। कुछ गाड़ी गलौज उधर से हुई, कुछ इधर से हुई। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अब पहली भी मेरे मकान पे फायरिंग की गई थी, और वह बंदा फायरिंग करके जाके यहाँ से भाग के और फाटक भी जाके फायरिंग की थी, फिर वो एक बजरी वाले के ऊपर, फिर प्रशासन ने उसको हथियार बरामद हुए थे साथ में, तो हाँ तो उस गैंग को प्रशासन ने 2 दिन में छोड़ दिया। चलो ये बात हो गई हमारी माथा फोड़ी होगी, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मैं शाम को घर आता हूँ, 7:30 बजे की बात थी, तो वो जो छोरा था मेरे साथ वो तो नीचे बाइक खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते अचानक मैं एक ही बात करना चाहता हूँ भाई, चलो प्रशासन ने गलती की या मैंने की उसे कोई मतलब नहीं भाई, चलो गलती मेरी मान लो, मेरी मान लो गलती भाई, क्या करें हम भाई, हर जगह पैसा चलता है, हम तो दे पैसा पैसा की जगह दे सकते हैं, चलो हमारी मान लो। अब वहाँ मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तो चढ़ते टाइम में वो छोरा मेरे को बोलता है कि भाई साहब भाग, और मैं मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी, तो मैं देखा तो वो बंदा के साथ में कम से कम नहीं तो 7-8 छोरे थे। ये देवनारायण भगवान स्वामी वो भी कर सकता है, अगर वो ये कह देगा
अगर पूरी प्रशासन की गाड़ी होती ना, तो अगर प्रशासन की गाड़ी मुझे लेके भी जाती तो मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन प्रशासन गुंडे साथ में लाना, ये कहाँ का कानून है मैं से पूछ रहा हूँ? ये तो फिर जानलेवा हमला है ना। तो मैंने मेरी आंखों से देखा, अगर वो बंदा देवनारायण भगवान के सामने खड़ा रह के कह देगा भाई मंदराज पूरी गाड़ी में प्रशासन ही था, तो वो कहेगा जो करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उस बंदों में कानसुआनी लकड़ी थी और उस बंदे ने खुद ने बोला था कि ये बाउंड्री कूद के भाग रहा, फायर करो, फायरिंग करो। तो मैं वहां से जान बचा के निकल गया। निकलने के बाद मेरे दोस्तों के पास फोन किया, मैं आज भी घर नहीं गया। तो मैं इस चीज को ऐसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मुझे जिंदगी जीने में इतनी तकलीफ मिल रही है? भाई ऐसा कोई समाज के लायक मैंने कोई ऐसी जगह हो जहाँ बताओ जहाँ मेरे को याद किया गया वहाँ में एडवांस नहीं मिला? भाई मेरे पास तो कला है और कला से हमारा फैन है, फैन से हम जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक भीड़ हो जाती है तो अगले का काम हो जाता है। यही कर सकते हैं हम तो। सभी युवा भाइयों को राम राम। वहाँ से मैं निकल गया। निकलने के बाद में मैंने कल पोस्ट डाली। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आखिर ऐसा कैसा चलता रहा तो चले जाएंगे संसार को छोड़े, क्या हुआ देव भाई साहब चले गए, चल जाएंगे भाई। ये तो नहीं तो देखो आप, ये तो जिंदगी जीने में बहुत परेशानी हो गई। किस किस से माथा बड़ी करे बताओ, जब गाने में कहाँ दिमाग लगेगा? आगे घर से बाहर निकलो तो मुंह बांध के निकलो, खुद की गाड़ी पर्सनल ले लिया उसकी एक बार ये लोग पहचान कर लेते हैं, उसमें घूम नहीं सकते तो ये काहे की जिंदगी है? हैं, रात को ये गुंडे गेट के बाहर घूमते हैं, इनका आदन तक प्रशासन कोई इलाज नहीं कर पाई है, उल्टा प्रशासन मुझे दोष देती है। तो मेरा कहना यही है, जो भी मेरे दोस्त थे निजी उनको मैंने कॉल कर करके आज दिन भर से बता दिया कम से कम 30-35 दोस्तों को। अगर मेरे साथ में बरवाड़ा क्षेत्र में या कहीं भी वारदात होती है तो मेरी मौत का जिम्मेदार वो बंदा होगा जो जिस दिन मेरे घर पे गुंडा लेके आया था, मेरी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। मेरा परिवार के साथ कुछ हो गया, मेरा एक भाई पहले एक्सपायर हो गया, उसके दो बच्चे, मतलब दो भाई मेरे हैं, दो बच्चा बच्ची मेरे हैं, मेरे हम लेट सेट भी आते हैं गाते बजाते रहे, मेरा अकेले मेरा बूढ़ा बुजुर्ग पिताजी रहते हैं वहाँ और मेरी मिसेज रहती है। तो हमेशा मतलब डर इतना हो गया कि आप पूछो मत इनकी सीमा। तो मेरी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, वो इंसान जिसने मेरे पीछे मेरे मकान में, और इस चीज़ का चकमती जो मेरे मकान के पीछे थे वह गवाह है। भाई मंदराज किधरों के बगा था और क्या बात थी ये बात। जब कोई इंसान को गाने बजाने से फुर्सत नहीं है वो क्या किसी से क्यों माता पड़ी करेगा बिना फालतू में? ऐसे मेरे भाइयों सभी को राम राम, यही मेरा कहना है। भाई वो तो सरकारी आदमी। और लास्ट बात, अब लाइफ खत्म होने का टाइम आ गया। लास्ट बात अक मेरी जो भी फेसबुक, देखो सब कुछ मेरी फर्जी फेसबुक बना रखे हैं, लेकिन जियो मुझे, तुम्हारे हाल काम तो आ रही है ना, लेकिन उसका कोई गलत इस्तेमाल मत करो। मुझे कोई इस मेरे इंस्टाग्राम में बन रहे हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, आके आप गलत इस्तेमाल मत करना। अरे चल जाएंगे इधर किसी दिन, आप याद तो करोगे भाई था कोई मंदराज। और लास्ट एक काम, भगवान हमेशा जो मेरे को ये नेता लोग बेचारे समाज से समाज साथ दिया, इनको भगवान हमेशा आगे बढ़ते रहे और अच्छी अच्छी वो मिले इनको तरक्की। मैं उसका नाम ले नहीं सकता, मैंने मेरे दोस्तों के पास चीज पूछा दी, उस क्षेत्र में
या कहीं भी झूठ तो बोलूंगा नहीं, मरते दम तभी बता के जाऊंगा, लेकिन अगर उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे साथ जो भी वारदात हुई ना, तो वो जिम्मेदार वो बंदा होगा उसकी। लास्ट बात, ये छोटा सा काम, मैं भी संगीत की दुनिया में आज 4 साल 4.5 साल से हूँ। अगर समाज को मंजूर हो तो बाबा कर्नल साहब की नेक कुमाई, उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया, मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन पीछे वालों के लिए काम तो आएगा। तो मेरे से एक चीज थोड़ी मन फूक रही है, देवनारायण भगवान बरवाड़ा में मंदिर है, वहाँ मैं कर्नल साहब की मूर्ति बनाना चाहता हूँ। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं रहेगा, ये मेरा पर्सनल रहेगा। अगर समाज साथ हो तो कभी भी वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, मुझे कोई राजनीति करने का शौक तो है नहीं। जैसे चेतराम जी भाई साहब, कोई भी देवनारायण जी, गुरु जी, पीटीआई जी, राम जी भाई साहब, जो भी मतलब प्रधान जी, कोजी साहब, जो भी जगह बता देंगे, वहाँ मैं उस चीज़ को बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं वही चीज़ बनाऊँगा जो ऊटी टणा में मूर्ति कर्नल साहब की बनी हुई है। देखो, जो साहब कहने में कोई वो नहीं है, दो दिन बाद में कोई कह दे यार मंदरा ने तो पैसों के चक्कर में छोटी सी मूर्ति बना दी, हम तो बाबा साहब की बड़ी बनाते हैं। भाई मेरे से तो ये बना रही है भाई, और सब भाइयों को राम राम, अच्छे रहो। अब क्या करें, जब तक जिएंगे जब तक जी लेंगे, करे भी क्या। तो ये मेरे ये सहयोग करना चाहता हूँ नारायण भगवान की। एक दिन पहले मैंने वहाँ बात चलाई थी, जहाँ वो 5 आदमी जो मिट्टी कर ले कह देगी वहाँ मैं बना दूंगा, लेकिन बनाऊंगा वही जो उठी टना में देवनारायण भगवान के मंदिर में बन रही है, वो मेरे से बना रही है। ये देवनारायण भगवान की राम राम सभी भाइयों को, 36 बिरादरियों को, जय गौ माता की, जय देवनारायण भगवान, सब कुछ रहे। अगर बुरा किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करो। ये बात है, सब कोई जो गलती हुई मेरे से लाइफ में, उसको एक बच्चा समझ के माफ कर देना।